मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गैस त्रासदी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भीषण औद्योगिक त्रासदी का दंश झेल रही विधवाओं को पेंशन देने की योजना फिर से शुरू होगी। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। उन्होंने माफियाओं को एक बार फिर चेताते हुए कहा कि गुंडे, बदमाश और माफिया अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। भोपाल के बरकतुल्ला भवन परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि एवं सर्वधर्म प्रार्थना सभा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गैस त्रासदी के स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध व बोहरा समाज के धर्म गुरुओं ने गैस कांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी व कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना की और 2 मिनट का मौन धारण किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने विधवाओं को आजीवन पेंशन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा 1,000 रुपए प्रति माह विधवा माताओं को पेंशन मिलेगी। गौरतलब है कि यह योजना साल 2019 में बंद कर दी गई थी। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गैस कांड की त्रासदी में मारे गए लोगों की याद में स्मारक बनाया जाएगा। गैस त्रासदी का जहरीले कचरे का जल्द निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा प्रदेश, देश व दुनिया में फिर से ऐसी कोई त्रासदी ना हो, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। ऐसे विकास कार्य होने चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। मानवीय भूलों के कारण विकास की अंधी दौड़ में केवल इंसान सुरक्षित रहे इस चाह के कारण, लापरवाही के कारण विश्व की सबसे बड़ी ये गैस दुर्घटना हुई थी जिसमें हजारों भाई बहन और बच्चे असमय काल कल्पित हुए थे। भयानक मृत्यु इनकी हुई, हजारों बीमार हुए और आज तक उस दुर्घटना का असर भोपाल में साफ दिखाई देता है। इस समय एक तो संकल्प लेने का अवसर है, फिर कोई शहर भोपाल ना बने, और इसलिए हम पर्यावरण को भी बचा के रखें, विकास और पर्यावरण में संतुलित स्थापित करें। हमारे गैस पीड़ितों का इलाज और बाकी आवश्यक व्यवस्थाएं लगातार चलती रहे, इसके प्रयास सरकार कर रही है। अब गैस पीड़ित क्षेत्रों में भी नर्मदा जी का जल घरों में दिया जा रहा है, लेकिन हमारी बहनों की जो 1,000 रुपया जो कल्याणी बहनें थी जिनका सब कुछ लूट गया था, वो पेंशन 2019 में बंद हो गई थी। हमने फिर से चालू करने का फैसला किया। ये उनके साथ न्याय नहीं है। 1,000 रुपया मासिक आजीवन जब तक भगवान को लंबी उम्र दे उनको दी जाएगी। और दूसरे, फिर कोई शहर भोपाल ना बने, उसके लिए सबसे बड़ा सबक अगर कोई दे सकता है तो भोपाल ही दे सकता है दुनिया को, केवल भोपाल को नहीं, केवल प्रदेश और देश को नहीं, पूरे विश्व को। और इसलिए गैस त्रासदी का एक स्मारक बने जो प्रेरणा दे, जो संकल्प पैदा करे कि फिर ऐसी गैस त्रासदी दुनिया में कहीं ना हो, उसके लिए हमें राह दिखाए, इसकी भयानकता को प्रदर्शित करे। वो स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा, उसके लिए सारी आवश्यक कार्रवाई हमारे युवा और ऊर्जावान मंत्री विश्वास सारंग जी करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र व राज्य की सरकार किसानों के लिए कार्य कर रही है। किसानों को सालाना 6,000 रुपए केंद्र और 4,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। उन्होंने कहा पीएम मोदी की जन हितैषी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर बाजार व धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। उन्होंने भूमाफिया और गुंडे बदमाशों को एक बार फिर चेताते हुए कहा कि माफिया अपना बोरिया बिस्तरा बांध लें, चाहे कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। बिना भेदभाव के भूमाफिया, मिलावटखोरों व अन्य माफियाओं पर कार्रवाई होगी। इसमें कुछ भी पॉलिटिकल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हम सब किसान हितैषी हैं। हमने
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मैंने अनाउंस किया था कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 4000 रुपया प्रतिवर्ष और किसान के खाते में डाली जाएगी, तो 6 और 4 मिलकर 10000 रुपये की ये राशि होगी। ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि 2000 रुपये के रूप में 2 किस्तों में मिलेगी। आज 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपया इस योजना के अंतर्गत डाले जा रहे हैं, ये लगातार डाले जाते रहेंगे और किसान का नंबर 6 महीने में एक बार लगभग इन्हीं तारीखों में आता रहेगा। और सरकार स्पष्ट और दृढ़ है, हमारा मंत्र है सज्जनों के लिए फूल से ज़्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज़्यादा कठोर है हमारी सरकार। और इसलिए माफिया बोरिया बिस्तर बांध लें और नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। कोई माफिया, कोई तस्कर, कोई गुंडा, कोई दादा, कोई बदमाश मध्य प्रदेश में छोड़ा नहीं जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।